हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड आवर चैप्टर 1 ऑफ MSc, गॉड डज एवरीथिंग फॉर आवर गुड। दैट मीन्स ईश्वर जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। स्टूडेंट्स, समटाइम्स व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग विद अस, यानी कि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, हम भगवान की बुद्धि पे क्वेश्चन उठाने लगते हैं कि भगवान भी क्या करता है, देखो ये रॉन्ग कर दिया, वो रॉन्ग कर दिया। बट देन इफ़ वी थिंक कामली, अगर हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं, वी विल फाइंड दैट, तो हमें पता चलता है कि द थिंग्स दैट सीम सो रॉन्ग टू अस प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग आफ्टरवर्ड्स। जो चीज़ हमें पहले बहुत ही गलत लग रही थी, वो एक्चुअली बाद में हमें पता चलता है कि वो तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स थी गॉड की। लेट अस रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट दैट वॉट एवर गॉड डज इज़ फॉर आवर बेनिफिट ओनली। हम ये कहानी पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि गॉड जो भी कुछ करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बेनिफिट के लिए करते हैं। वन डे अ किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट टू फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। दे सर्च फॉर एनिमल्स टू हंट बट दे डिड नॉट सी इवन अ सिंगल एनिमल। एक दिन एक राजा और उसका मंत्री एक जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। उन्होंने एनिमल के लिए बहुत सर्च किया, जंगल में बहुत घूमे, लेकिन उन्हें यहाँ तक कि एक कोई जानवर भी नहीं मिला जिसका वो शिकार कर सके। नेवर माइंड योर मैजेस्टी, सेड द मिनिस्टर, वट एवर हैपन्स इज फॉर आवर गुड ओनली। इस बात पर उसके मंत्री ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, जो भी कुछ होता है हमारे भले के लिए होता है। द किंग एंड मिनिस्टर नाउ रोड डीप इन टू द फॉरेस्ट। राजा और उसका मंत्री जो थे वो अब घने जंगल में चले गए। रोड डीप मींस घुड़सवारी करके गए थे ना, सो दे रोड मींस राइड करी थी उन्होंने, हॉर्स राइड। डीप फॉरेस्ट के अंदर चले गए। दे फाउंड सम मैंगो ट्रीज देयर, बोथ ऑफ देम वर हंग्री। वहाँ पर उनको कुछ आम के पेड़ मिले, वो दोनों भूखे तो थे ही। द किंग प्लग्ड अ मैंगो एंड बिगैन टू कट इट विद अ नाइफ। राजा ने एक आम तोड़ लिया और उसे अपने चाकू से काटने लगा। द नाइफ स्लिप्ड एंड कट हिज फिंगर, ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग आउट। चाकू हल्का सा स्लिप हुआ, उसकी फिंगर पे कट लग गया और उसमें से खून बहने लगा। द मिनिस्टर टॉर अ स्ट्रिप ऑफ क्लोथ फ्रॉम हिज शर्ट। मिनिस्टर ने अपनी शर्ट, जो भी ड्रेस उसने ये पहना है उसे शर्ट, उसने अपनी शर्ट में से एक स्ट्रिप कपड़े की फाड़ी और एंड टाइड इट अराउंड द फिंगर ऑफ द किंग, और उसको राजा की फिंगर के चारों तरफ बांध दिया। ही देन सेड टू द किंग, नेवर माइंड योर मैजेस्टी, वट एवर हैपन्स इज फॉर आवर गुड ओनली। वो फिर से राजा से कहता है कि कोई बात नहीं महाराज, जो भी कुछ होता है हमारे भले के लिए होता है। ऑन हियरिंग दिस द किंग बिकेम वेरी एंग्री। ही शाउटेड, आई एम डाइंग ऑफ पेन एंड यू आर सेइंग दैट इट इज़ ऑल फॉर माई गुड। ये बात सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आ गया और वो चिल्लाने लगा, मैं दर्द के मारे मरा जा रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि ये सब मेरे भले के लिए हो रहा है। आर यू फूल, लीव दिस प्लेस इमिजिएटली। तुम मूर्ख हो क्या, इस जगह को छोड़कर चले जाओ यहाँ से, तुरंत चले जाओ यहाँ से। द पुअर मिनिस्टर रोड अवे सैडली। अब जो बेचारा मंत्री था वो दुखी हो गया लेकिन वहाँ से चला गया। द किंग नाउ गैलप्ड ऑफ अलोन। गैलप्ड ऑफ मीन्स सरपट दौड़े हुए जाना, तेज स्पीड में दौड़े जाना। तो जो राजा था वो अकेला ही अब जंगल में दौड़ने लगा, जाने लगा। ही हैड गॉन अ लिटिल डिस्टेंस व्हेन सम रॉबर्स सराउंडेड हिम। दे टुक द किंग टू देयर चीफ। वो थोड़ी ही दूर गया होगा कि कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया और वो उसको अपने चीफ के पास, अपना जो सरदार था उसके पास ले गए, मुखिया के पास ले गए। देयर चीफ सेड, वी विल सेक्रीफाइस यू टू द गॉडेस। डाकुओं का जो चीफ था उसने राजा से कहा, हम अपनी देवी को तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। द चीफ ऑफ द रॉबर्स आस्क्ड हिज प्रीस्ट टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द सेक्रीफाइस। डाकुओं के मुखिया ने अपने प्रीस्ट, अपने पंडित, जो पूजा करने वाला पर्सन था, उसको बोला कि व्यवस्था करो इसकी बलि देने के लिए। द प्रीस्ट एग्जामिन्ड द किंग केयरफुली। अब उस पंडित जी ने किंग की बहुत अच्छी तरह से उसको एग्जामिन किया, चेक किया। वी कैन नॉट सेक्रीफाइस दिस मैन, सेड द प्रीस्ट टू द चीफ। और फिर उस पंडित ने चीफ से कहा, हम इस आदमी की बलि नहीं दे सकते हैं,
द चीफ आस्क्ड हिम व्हाई, तो चीफ ने पूछा कि क्यों नहीं दे सकते हैं। वी नीड अ मैन विदाउट एनी इंजरी मार्क ऑन हिज बॉडी, दिस मैन हैज़ कट फिंगर, ही इज़ नॉट फिट फॉर आवर सेक्रीफाइस। तो पंडित ने जो रीज़न बताया वो ये था कि हमें एक ऐसा आदमी चाहिए सेक्रीफाइस करने के लिए, बलि देने के लिए, जिसकी बॉडी पे चोट या चोट का कोई भी निशान नहीं हो, लेकिन इस आदमी की तो उंगली कटी हुई है, तो ये आदमी हमारी बलि के लिए ठीक नहीं है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। द चीफ ऑफ द रॉबर देन सेट द किंग फ्री। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, नाउ ही रिमेंबर्ड द वर्ड्स ऑफ मिनिस्टर। जो रॉबर्ट्स का चीफ था उसने इस बात पे राजा को फ्री कर दिया, आज़ाद छोड़ दिया। किंग जो है वो बहुत खुश हुआ और उसे अब अपने मिनिस्टर के वर्ड्स याद आने लगे। ही सेड टू हिमसेल्फ, वॉट एवर हैपन्स इज फॉर आवर गुड ओनली। अब उसने अपने आप से ही कहा कि सच में सही बात है, जो कुछ होता है वो हमारे भले के लिए होता है। इफ़ आई हैड नॉट कट माई फिंगर आई वुड हैव बीन किल्ड बाय द रॉबर्ट्स। अगर मेरी उंगली पे कट नहीं लगा होता तो मैं, ये डाकू जो है ये मुझे मार डालते। आई शुड नॉट हैव बीन सो रूड टू माई मिनिस्टर, आई शुड अपोलोजाइज टू हिम। अब उसे लग रहा है कि मुझे अपने उस मंत्री के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था और मुझे अब उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। द किंग सर्च्ड फॉर हिज मिनिस्टर, ही फाउंड हिम सिटिंग अंडर अ ट्री। अब किंग जो है जंगल में अपने मंत्री के लिए उसने ढूंढा, उसको जंगल में घूमने लगा और उसको अपना मंत्री एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिल गया। द किंग रैन टू हिम एंड सेड, आई एम सॉरी फॉर ट्रीटिंग यू सो बैडली। ही देन टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड टू हिम। वो उसकी तरफ, राजा जो है अपने मंत्री के पास भागता हुआ गया और बोला, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो तुमसे इतना बुरा व्यवहार करने के लिए। उसने फिर, राजा ने मंत्री को सारी बात बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसने कहा अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो वो लोग मेरी बलि दे देते। थैंक गॉड यू आर सेफ, सेड द मिनिस्टर। मिनिस्टर ने कहा, मंत्री ने कहा कि भगवान का शुक्रिया है, यानी भगवान को धन्यवाद है कि आप सुरक्षित हैं। एवरीथिंग दैट हैपन्स इज़ फॉर आवर गुड, जो कुछ भी होता है हमारे भले के लिए होता है। इफ़ यू हैड नॉट ऑर्डर्ड मी टू गो अवे द रॉबर्ट्स वुड हैव कॉट मी। अगर आपने मुझे चले जाने का आदेश नहीं दिया होता तो वो जो डाकू हैं वो ज़रूर मुझे पकड़ लेते। दे वुड हैव सेक्रीफाइज्ड मी, और उन्होंने मेरी बलि चढ़ा दी होती। आई डू नॉट हैव इवन अ स्क्रैच ऑन माई बॉडी, मेरी तो बॉडी पे एक स्क्रैच भी नहीं है। तो गॉड हैज सेव्ड बोथ ऑफ अस, मंत्री ने कहा, इस तरह से भगवान ने हम दोनों को बचा लिया। वट एवर यू आर सेइंग इज़ ट्रू, नाउ लेट अस थैंक गॉड फॉर हिज मर्सी, सेड द किंग। इस बात पर राजा ने कहा कि तुम जो कह रहे हो, जो कुछ भी कह रहे हो, वो सब सच है, चलो हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी इस दया के लिए। तो बच्चों, आपको स्टोरी समझ में आई? देखो, अगर वो राजा मंत्री को नहीं डांटता तो मंत्री वहाँ से नहीं जाता और राजा और मंत्री दोनों साथ साथ घूमते रहते। अगर साथ साथ घूमते रहते तो वो जो डाकू हैं वो राजा की बलि तो नहीं दे पाए क्योंकि उसकी उंगली कटी हुई थी, लेकिन मंत्री की बलि दे देते क्योंकि उसकी तो बॉडी पे कोई भी स्क्रैच मार्क या कुछ भी नहीं था, तो वो उसकी बलि दे देते, है ना। तो अच्छा ही हुआ कि राजा ने मंत्री को डांटा। आपने देखा ना, जब राजा ने मंत्री को डांटा तो मंत्री थोड़ा सा दुखी हुआ था, लेकिन बाद में अगर ये पता चला उन्हें कि अगर नहीं डांटा होता तो उसकी बलि चढ़ जाती, तो भगवान ने उसको मंत्री को राजा से डांट पड़वा के उसी का भला किया था। और दूसरी तरफ राजा, जैसा कि मंत्री ने उससे कहा उंगली कटने पे कि जो होता है भले के लिए होता है, तो उसकी उंगली उसके भले के लिए कटी थी ना। अगर उसकी उंगली नहीं कटती तो वो डाकू के जो आदमी थे, डाकू थे, वो राजा को पकड़ के उसकी बलि दे देते। तो भगवान ने राजा की उंगली इसलिए कटवाई ताकि उसकी बलि न दी जा सके, और राजा के ही थ्रू उन्होंने मंत्री को भी डांट पड़वाई और वो वहाँ से चला गया और उन्होंने मंत्री की भी रक्षा की। तो इसी तरह बच्चों, हमारे साथ भी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, बट फाइनली जब बाद में उस चीज़ का रिजल्ट आता है, हमें पता चलता है कि ये तो हमारे भले के लिए हुआ था। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ईश्वर जो कुछ भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। गॉड डज एवरीथिंग फॉर आवर गुड। थैंक यू।